एक साधारण अर्थ होता है जो मन के अंतर में समाहित हो जाए, ये जो हमारे भीतर समाहित हो वो मंत्र है। ये अत्यंत साधारण परिभाषा है मंत्र की, लेकिन मंत्र का अर्थ बेहद व्यापक और बहुत बड़ा और गंभीर है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति को समझने के लिए कि उत्पत्ति पहले कैसे मंत्र की हुई है, तो इसके संबंध में आगम निगम ग्रंथ बताते हैं। जब ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, इस ब्रह्मांड के साथ ही नाद उत्पन्न हुआ, तो जो इस ब्रह्मांड का सर्वप्रथम और पहला नाद है वो है ओंकार। और वही ओंकार जब शब्द रूप में इस ब्रह्मांड में रहता है, तो वही ओंकार हमारे भीतर भी अनहद नाद के रूप में स्थापित होता है। इसी ओंकार से समस्त ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है, इसीलिए कहा शब्द ब्रह्म, अर्थात शब्द ही ब्रह्म है। इसी शब्द की महिमा का विस्तार भगवान देवादिदेव महादेव ने किया, जब उन्होंने आगम निगम में माँ पार्वती को समझाते हुए और ऋषि मुनियों को ये ज्ञान दिया, तो ये बताया कि यही जो दिव्य ज्ञान है ओंकार नाद का, इसके भीतर अन्य बहुत सारे नाद छिपे हुए हैं। यदि आप अपने भीतर के समस्त चक्रों को देखें, अपने भीतर के अध्यात्म की यात्रा करें, या फिर आप बहिर्जगत के समस्त इन शोर गुल ध्वनि सब तत्वों को सुने और उनका वर्गीकरण करें, तो वो 51 प्रमुख वर्गीकरणों में विभक्त हो जाते हैं। इसलिए योगियों ने सहस्रहार कमल दल अर्थात मस्तिष्क में 51 बिंदुओं की स्थापना की, और हर एक बिंदु का एक विशेष बीज मंत्र अर्थात एक विशेष प्रकार की ध्वनि है। इसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांड को यदि आप 51 भागों में बांट दें, तो सबका एक विशेष ध्वनि से लेना देना है, और वो ध्वनि एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को प्रभावित करती है। इसीलिए ये मंत्र बेहद रहस्यमय हो गए। लेकिन मंत्र का ये जो क्षेत्र है, इसकी परिभाषा बहुत छोटी सी है। लोग कहते हैं कि मंत्र का अर्थ है एक ऐसा शब्द जो प्रभाव उत्पन्न कर सके। हाँ, लेकिन मंत्र जुड़ा कैसे है? मन के भीतर से, मन के अंतर से जो ऊर्जा को बहिर्जगत में लेकर आए, प्रस्फुरित करे, अथवा मन के द्वारा जो ध्वनि जुड़ी हुई हो श्रद्धा और भावना सहित, वही वास्तव में मंत्र हो जाता है। जैसे कि शावर मंत्र, वैदिक मंत्र, तांत्रोक्त मंत्र, शावर मंत्र, बीज मंत्र इत्यादि, और मंत्र भी स्त्रीलिंग, पुलिंग, नपुंसक लिंग होते हैं। तो इस तरह से मंत्र का संसार बहुत बड़ा है। एक आम व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि कौन सा मंत्र शावर है, कौन सा वेदोक्त, कौन सा तांत्रोक्त, कौन सा बीज मंत्र। तो ये सब गुरु के आश्रय में रहकर सीखे जाने वाले मंत्र हैं। लेकिन मंत्रों के इस विशद संसार से, इस बड़े संसार से घबराने की जरूरत नहीं। आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मंत्र केवल किसी पंडित के लिए, किसी महात्मा के लिए, किसी संसार से विरक्त हुए व्यक्ति के लिए बने हुए हैं। मंत्र आपके मन से जुड़े रहते हैं। यदि आपके मन में श्रद्धा है, और यदि आप मंत्र के विज्ञान को समझते हैं, यदि आपको मंत्र का जो विन्यास है कि एक शब्द के बाद दूसरा बीज, दूसरे के बाद तीसरा बीज, ये क्यों जुड़ा है, अगर इन रहस्यों को आप अपने गुरु से सीख लें, तो एक छोटा सा मंत्र भी आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आ सकता है। लेकिन प्रश्न आपके मन में पैदा होगा कि मंत्र मेरे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि मंत्र तो एक ध्वनि है। जैसे मैंने कहा राम, राम तो किसी का नाम भी हो सकता है। मैंने कह दिया लक्ष्मण, मैंने कह दिया कृष्ण, मैंने कह दिया राधा, या मैं कोई भी अन्य नाम लूँ, तो सब ध्वनियाँ समान हैं, सब नाम समान हैं। तो मंत्र मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन लेकर आ सकता है? तो इसके पीछे कुछ सूक्ष्म सिद्धांत हैं। जो मंत्र होता है, सुनने को वो केवल साधारण ध्वनि मात्र है, लेकिन जब आप उस मंत्र के पीछे एक निहित ऊर्जा होती है जिसे कहा जाता है दीक्षा, जब आप गुरु से दीक्षा लेते हैं, मंत्र के भाव को जानते हैं, मंत्र के उद्देश्य को जानते हैं, उसके ऋषि और छंद को जानते हैं, तब मंत्र से उत्पन्न होने वाली तरंगे, मंत्र से उत्पन्न होने वाला वो दिव्य तेज, वो आपकी किसी भी इच्छा के साथ जुड़कर उसे पूर्णता तक पहुंचा सकता है। क्योंकि सारा ब्रह्मांड, पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी का अपना एक साउंड है। जितने भी आप चांद तारे आसमान में देखते हैं, सबका अपना अपना एक साउंड है। आज तो विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया कि छोटी सी छोटी चीज का भी अपना एक साउंड होता है। ठीक वैसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने इस ब्रह्मांड के समस्त जो ध्वनि कारक के तत्व हैं, नाद, उनका अनुसंधान करके विशिष्ट बीजों का चयन किया। वो बीज कुछ भी करने में समर्थवान है, बस आपको मालूम होना चाहिए उसके पीछे का सही विज्ञान, सही तर्क
और सही समर्पण और श्रद्धा का तालमेल, अगर वो हो गया तो मंत्र को आपने जान लिया। तो वैसे तो सृष्टि की उत्पत्ति से ही मंत्र हमारे बीच में है, लेकिन उन्हें वर्गीकृत किया महादेव, भगवान, सदाशिव, उसी माध्यम से समस्त मंत्र हम तक पहुंचे हैं। और कुछ मंत्रों को तराशा है हमारे सिद्धों ने, ऋषि मुनियों ने, और हिमालय पे निरंतर समाधिस्थ और ध्यानस्थ रहने वाले गुरु मंडल ने। यही मंत्र की साधारण सी परिभाषा है।